धौलपुर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण विस्फोटक होता जा रहा है। इससे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 52 नए पॉजिटिव मिलने से अब कुल मिलाकर संख्या 152 हो गई है। इनमें बाड़ी उपखंड के राजकीय चिकित्सालय का एक डॉक्टर और शहर के 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। धौलपुर शहर की जैन कॉलोनी के रहने वाले एक कोरोना रोगी ने 20 लोगों को अपनी चपेट में लेकर संक्रमण में भारी इजाफा कर दिया है। सरमथुरा कस्बे के आधा दर्जन सब्जी विक्रेता कोरोना रोगी मिले हैं। जेल का एक कैदी भी कोरोना संक्रमित मिला है, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बीते 3 दिनों में कोरोना रोगियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। इससे चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा विभाग का कहना है कि नए रोगियों में कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र, दिल्ली और देश के अन्य शहरों से आए लोगों के कारण फैला है। और आज 40 की लिस्ट आ गई। कल जो लिस्ट आई थी उसमें एक अस्पताल के डॉक्टर हरिकृष्ण मंगल भी थे। चूँकि अस्पताल के 3-4 कर्मचारी संक्रमित की गज में आए, तो आज निर्णय लिया गया कि अस्पताल को निरंतर 2-3 दिन तक कंप्लीट सैनिटाइज किया जाएगा, जब तक गौरव द्वार पर OPD NN की जगह चलाया जा रहा है और संक्रमित पार्ट भी दूसरी जगह चिन्हित किया, जिससे ये काम रखती है और अपन इस पर पूरी तरह काबू पा सकते। 40 की लिस्ट में एक विशेष बात यह है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ रामनिवास निकले थे पॉजिटिव, उनके कॉन्टैक्ट वाले 20 लोग निकले हैं जो जैन गली के हैं और उनसे संबंधित कुछ उनके कार्मिक व पड़ोस के दुकान वाले, उन सबको और कॉन्टैक्ट किया जाता है कि वो कितने लोगों से मिले और उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है और उन सबको आइसोलेट किया।